में। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एल्विस स्टेज ने एक अपडेट पब्लिश किया था अपने ट्विटर हैंडल पे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, MIUI 12.5 द नेक्स्ट अपग्रेड बिफोर MIUI 13 विल ऑफर मच ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टेबिलिटी स्टे ट्यून्ड। आपको बहुत सारा चीज इसमें न्यू देखने को मिलेगा MIUI 12.5 में। और जैसे कि यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, अपग्रेड लिखा हुआ है, अपडेट नहीं। अपग्रेड और अपडेट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अपडेट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल उसमें कुछ बग है तो उसे आप अपडेट करेंगे। अगर उसका एक लेवल बढ़ाना है तो उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसी को बोलता है अपग्रेड। तो उसी के साथ साथ बात करेंगे इसमें और क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक वेबसाइट लगता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं MIUI 12.5 अनाउंसड हियर द न्यू फीचर एंड एलिजिबल डिवाइस। जी हाँ, इसके साथ साथ जो एलिजिबल डिवाइस है वो भी मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले फीचर्स की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे को देख सकते हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन मिलता है, जैसे डीने, नोटिफाई, व्हेन यूजिंग दिस ऐप एंड ऑलवेज व्हेन। तो पहला एक ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया कि अभी जो आने वाले टाइम में आपको वॉल्यूम कंट्रोल किस तरह से देखने को मिलेगा। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वॉल्यूम बटन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, थोड़ा सा न्यू यूआई कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे डाउन पे आप देख रहे हैं। उसके बाद न्यू लॉन्चर एमिनेशन, तो एमिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, शॉर्ट सा वीडियो है और सारा का सारा क्रेडिट जो यहाँ पे जाता है टेक आयन दीप को। उसके बाद यहाँ पे पावर मेनू, पावर मेनू में भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन न्यू है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो अब आपको स्लाइड डाउन करने से पावर रिबूट होगा और स्लाइड अप करने से पावर डाउन होगा। और ये हाईलाइट फीचर से और भी आपको अलग अलग फीचर्स मिलेगा, जैसे कि इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, कन्वर्ट फोटो टू PDF। ये जो है गैलरी के फीचर्स में देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में MIUI 12.5 जब अपग्रेड मिलेगा तब। इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया, अगर आपको इसे ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट अभी ये जो फीचर है क्रिएट PDF ये अभी इनेबल नहीं हुआ। न्यू लेटेस्ट एप्स के बारे में भी दिया गया है कि रिसेंट एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, हालांकि जो आपका ओल्ड वाला है वो भी रहेगा। और कैमरा UI, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि न्यू कैमरा UI जो वो आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे न्यू एमिनेशन, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा मेरे आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोटिफिकेशन पैनल में भी काफी ज्यादा चेंजेस किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन सब डिवाइस में आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलेगा उसमें बहुत सारे न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि एमिनेशन से रिलेटेड, जैसे न्यू फिंगरप्रिंट एमिनेशन, बबल नोटिफिकेशन सपोर्ट, सुपर रेजुलेशन। जी हाँ, रेजुलेशन से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया जाएगा। वॉइस कंट्रोल पैनल न्यू मिल जाएगा, यानी कि वॉइस वगैरह आप चेंजेस करके बात कर सकते हैं या गेम वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ न्यू QR कोड इंटरफेस, न्यू आइकन स्टाइल, एड मोर, और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे डिवाइस की, तो सभी एक एक डिवाइस के बारे में तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने जो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप यहाँ के आके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सा डिवाइस है। थोड़ा बहुत हाईलाइट डिवाइस आप देख सकते हैं, 7 से ऊपर जितने भी डिवाइस है सभी को यहाँ पे MIUI 12.5 का अपग्रेड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे, बहुत बड़ा लिस्ट है तो एक एक करके बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बात करें यहाँ पे 6A की, तो 6A को MIUI 12.5 का अपडेट नहीं मिलेगा। 7A से ऊपर जितने भी डिवाइस है रेडमी का सभी को यहाँ पे MIUI 12.5 अपडेट मिलेगा। तो अब बात करते हैं जो यहाँ पे आपका जो डेवलपर यहाँ पे देख सकते हैं एल्विस स्टेजे, एक्चुअली ये इंडोनेशिया का एक क्रिएटर है जो शाओमी की तरफ से काम करता है। और लास्ट टाइम जब रेडमी नोट 8 में MIUI 12 का अपडेट आया तो कुछ दिन पहले ही पब्लिश कर दिया था कि बहुत जल्द रेडमी नोट 8 में एंड्रॉयड 10 के साथ MIUI 12 का भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनके जो अपडेट्स है वो 99.9% करेक्ट रहता है। तो अगर इन्हें आप फॉलो करना चाहते तो इनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को भी सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है इसे भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए लेटेस्ट पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू।